हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए चॉकलेट केक, तो बच्चों की पसंद और बड़ों की भी पसंद दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी पे, आगे बढ़ते हैं। इधर मैंने ले लिया है 1 कप दूध है दोस्तों, इसको मैंने एक बाउल में कर लिया है। ले लेंगे वाइट विनेगर, थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच के करीब। इसको कर्डल करेंगे। अगर दही आपके पास है दोस्तों तो आधा कप दही ले लेंगे, ठीक है। और हम एक ही माप लेंगे, कोई भी मेजरिंग का कप अगर आपके पास ना हो तो 1 कप हम ले लेंगे, उससे ही सारा मेज़र करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 1 कप ले लिया है मैंने, आधा कप कर्डल किया है दूध, वो हम आधा कप ही डालेंगे, ठीक है। इधर हमने बटर लिया है, लेकिन बटर हमने मेल्ट कर लिया है, वो भी कितना लिया है 1/4, ठीक है। 1/4 बटर लिया है। इधर जो देखिए, ये देखिए मैंने दिखाया आपको 1/2 कप, ये देखिए 1/2 कप है, ठीक है। 1/2 कप दूध है कर्डल किया हुआ, हल्का सा फट गया है उसको, मतलब हमने फाड़ा है जानबूझ के। अगर दही हो तो आप आधा कप दही ले सकते हैं। इधर उसी कप से क्या करेंगे, आधा कप हम चीनी ले लेंगे, पिसी हुई चीनी है, शुगर पाउडर है दोस्तों, अगर आप लोग के पास पहले से रखा हो। अगर आप जैगरी पाउडर डालना चाहें तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मिला सकते हैं अच्छे से, चीनी की जगह अगर गुड़ का पाउडर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला दीजिए, फेंट दीजिए। फिर हम इसी में थोड़ा सा डालेंगे वनीला एसेंस। सॉरी दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, 1/2 टीस्पून आप 1/2 टीस्पून डालिएगा, ठीक है। मुझसे जल्दी में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था। ये हमने 1/2 लिया है, 1/2 कप देखिए बता रही हूँ मैं आपको, 1/2 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं दोस्तों आप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर लम्स दिखते हैं कोई बात नहीं, वो अभी धीरे धीरे मिक्स करते करते लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ये ले लिया हमने कॉर्नफ्लोर, ठीक है, 1 टीस्पून है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना लीजिएगा, ठीक है। इधर हमने ले लिया है चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर सॉरी, ये डार्क कोको पाउडर है, 1 टीस्पून लेंगे। अगर आप लोग के पास, ये देखिए, अगर आप लोग टेस्ट में थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं तो आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं, 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी लम्स से गांठें थी उसमें, तो हमने छन्नी स्ट्रेनर से इसको छन्नी से छान लिया है, ठीक है। इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। इधर मिक्स होने के बाद इसको रखेंगे हम दोस्तों साइड, और जो हम जिसमें हम केक बनाएंगे वो है आज कढ़ाई। तो आप किसी में भी बना सकते हैं केक टिन में, आप अगर OTG में बेक कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा जैसे करना चाहे। मैंने आज कढ़ाई में किया दोस्तों, ये तवे के ऊपर मैंने प्री हीट करूँगी इसको, तो आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने लगा दिया बटर पेपर उसमें कढ़ाई में, ठीक है। आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो आप बटर से और ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। इधर लिया है मैंने गेहूं का आटा, 1 कप है, ठीक है। आप अगर मैदे में बनाना चाहें मैदा भी ले सकते हैं, और मैदा प्लस आटा गेहूं का, अगर दोनों चीज़ें लेना चाहें तो आधा कप गेहूं का आटा आधा कप मैदा ले सकते हैं, ठीक है। इसको धीरे धीरे डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, और मिलाते जाना है उसी बैटर में। ये देखिए मैंने अच्छे से फैट लिया है, ये थोड़ा सा बचा और है, उसको भी मिला लेंगे, ठीक है। दोस्तों इस तरह से बना के देखिएगा, आपको और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। सिंपल तरीका है, जो चीज़ें हैं घर में बनाइए उससे बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉर्नफ्लोर हो तभी बनाइए, ना हो तब भी बन सकता है, ठीक है दोस्तों। मिल्क पाउडर डालिए, अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करके भी डाल सकते हैं, जैसे मावा टाइप में बना लीजिए उसको, थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए, वो भी आप डाल सकते हैं। मिल्क पेट की रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, तो कंडेंस्ड मिल्क जो होता है
है ना, जैसे मिल्क मेड बाहर से मिलता है मार्केट में, कंडेंस्ड मिल्क जो मिलता है वो मैंने बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरे पड़ी हुई है तो जाके देख सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे और उसको आप यूज़ करेंगे केक में तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है मिल्क पाउडर है तभी आप केक अच्छी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा डाला है दूध और एक चम्मच डाली थी मैंने दूध की मलाई। ठीक है, आपके पास हो तो मलाई डालिए और नहीं डालना चाहे तो रहने दीजिए, थोड़ा सा दूध डाल के इसको फेंट लीजिए। ठीक है, और इधर एक चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून लेंगे, वन टी स्पून लिया है बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून लेंगे, ये देखिए हाफ टी स्पून है बेकिंग सोडा। ठीक है, और उसको एक डायरेक्शन में मिला लेंगे, ये देखिए एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, कट एंड फोल्ड वाले में इस तरह से मिला के और इसको पोर कर देंगे अपने केक टिन में। हमने कढ़ाई में बनाया है तो कढ़ाई में इसको डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से सारा पोर कर दिया है, ये देखिए इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल ना रहे हमारी केक में, अच्छे से टैप टैप करेंगे। ये देखिए हो गया है, कढ़ाई हमने ढक दी है लीड से और इसका ढक्कन लगाने के बाद दोस्तों इसका कहीं से भी एयर बाहर ना निकले तो हम इस तरह से करेंगे, जैसे ओटीजी में माइक्रोवेव में जो भी केक बेक करते हैं तो पहले से प्री हीट करते हैं ना, तो तवा हमारा हमने ऑन कर दिया था, गैस ऑन कर दी थी फ्लेम, और लो फ्लेम पे बनाना है 25 से 30 मिनट के अंदर आप इसको बनाइएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरा 30 मिनट के अंदर तैयार हो गया था, तो मतलब आधे घंटे के अंदर तैयार हो गया था, तो आप देख लीजिएगा अपना नाइफ या टूथपिक से किसी से भी इसको चेक करके, अगर हमारी टूथपिक या नाइफ साफ निकलती है तो हमारी केक तैयार है। इधर मैंने दो डेरी मिल्क ले ली एक बॉल में, छोटे से बॉल में, बस उनको मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में, थोड़ा सा हल्का सा दो चम्मच दूध डाल के मेल्ट कर लिया है। इसको करेंगे हम ग्रीस ऊपर से। ठीक है, आज हम बना रहे हैं केक चॉकलेट वाली, लेकिन एक सिंपल तरीके से जो घर में इंग्रेडिएंट हमारे पास हो उसी से आप बना सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चे हर समय जिद करते हैं मम्मी प्लीज़ चॉकलेट, तो बच्चों को चॉकलेट तो बहुत पसंद होती है, इसलिए आप उनका ध्यान रखते हुए बच्चों का थोड़ा सा इस तरह से आप बना सकते हैं सिंपल तरीके से, और झटपट भी बन जाएगी और जो चीज़ें हैं उनसे बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कढ़ाई से पलट लेंगे, आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए बटर पेपर एकदम अपने आप ही हट जाएगा, बहुत हल्का सा छूने से ही हटा है। ये देखिए कितने अच्छे से केक हमारी, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ अपने हाथ, मेरे हाथ इतने काले हो गए हैं। ये मैंने आंवला कट किया था दोस्तों, आपने मेरी वीडियो अगर देखी हो आंवले की रेसिपी भी जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो उसमें मैंने आंवले का मुरब्बा की रेसिपी डाली है, तो आंवले कट करने की वजह से मेरे हाथ इतने काले हो गए तो वो आपको मैं दिखा रही हूँ। चलिए तो जाते हैं अपने केक की रेसिपी की तरफ, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। बाकी देखिए इसी कढ़ाई में हमने दोबारा से, केक इतनी सॉफ्ट बनी है दोस्तों, तो देखिए क्रैक आ गया है, इधर उधर करने में क्रैक आ गया है, खाली आपको दिखाना था और बटर पेपर निकालना था इसीलिए मुझे पलटना पड़ा, नहीं तो मैं इसी में ही बनाती। ये देखिए जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी ना माइक्रोवेव की थी, आप अगर आप माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर की आप सहायता से, जैसे थोड़ा एक भी नीचे पतीला रख लीजिए गैस पे, थोड़ा पानी और ऊपर से बॉल में आप केक वो देखिए चॉकलेट ले सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, हल्का सा दूध डाल दीजिए एक चम्मच, हल्की सी बस मेल्ट हो जाएगी। मैंने वो लगा लिए चॉकलेट केक के ऊपर, उसके बाद देखिए मैंने टाइगर क्रंच जो बिस्किट आते हैं ना वो मैंने दो ले लिए थे पाँच पाँच वाले, उनको मिक्सर ग्राइंड में एक बार चला लिया है, तो एक बार ग्राइंड कर लिया, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना, हल्का सा ददरा करना, मतलब बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, तो उस हिसाब से हमको थोड़ा सा इस तरह से रखना है कि थोड़ा खाने में आए। ठीक है, इसको डेकोरेट कर लिया है, अच्छे से सजा लिया है, कोकोनट लगा लिया है, डेसिकेटेड कोट कोकोनट जो होता है ना हमारे पास सूखा नारियल का बुरादा, वो हमने साइड साइड लगा लिया है, एंड काजू बादाम डाल दिए, जो आपके पास ड्राई फ्रूट डालिए, नहीं है तो वो भी चलेगा, बच्चों को चॉकलेट अगर बीच में लगा दीजिए आप, थोड़ी थोड़ी टूटी फ्रूटी हो वो लगा सकते हैं, जो बच्चों को पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, एंड एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ,
प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड एंजॉय कीजिए। एंड प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सच बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों के लिए नई अच्छी से अच्छी वीडियो लाते। मैं सोचती हूँ आज ये बनाऊँ, आज दूसरी रेसिपी डालूँ, लेकिन प्लीज़ दोस्तों अगर आप मेरे साथ सपोर्ट मेरा करेंगे, मेरा साथ देंगे, तो मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।